दोस्तों आप देख सकते हैं विलेज लाइफ कितनी अच्छी और तगड़ी होती है। आज हम दिखाने वाले हैं नेचुरल वाटर जो ज़मीन से निकलता है, इसे फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पानी देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्रेश होता है और बिल्कुल ही साफ होता है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल होता है और ठंडा पानी ये गर्मियों में रहता है और सर्दियों में गर्म पानी रहता है। और बताइए आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिंह है। देखिए पंकज सिंह हमें सब कुछ बताएंगे इस झरने के बारे में, क्या इसकी खासियत है। बताइए इसके बारे में क्या क्या जानते हैं आप? ये जो पानी का झरना चल रहा है ये बिजली से चलता है, कब से आप ये पानी पी रहे हैं और इसका टेस्ट कैसे होता है? हम कई सालों से पानी पी रहे हैं, ये बहुत ही शुद्ध पानी है। इसको तैयार करने में बिजली का कोई उपयोग नहीं होता है और मैं कई सालों से इस पानी को पीते आ रहा हूँ। सर्दियों में इसका पानी कैसा होता है? गर्म। और गर्मियों में? ठंडा। देखिए आप देख सकते हैं ये जो पानी है, झरना है, ये जो नेचुरल वाटर है ज़मीन से निकलता है, तो ये कभी बंद नहीं होता? कभी भी नहीं, ये चलता रहता है। हाँ। आप देख सकते हैं ये जो कह रहे हैं ये जो पानी है ये हमेशा चलता रहता है। और आप घर के लिए पानी कहाँ से लेकर जाते हैं? इधर से ही, इसी बोली से लेके आते। आपने कभी बोतल वाला पानी पिया है? पिया है, उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। देखिए और ये जो पानी है ये आप इन्वर्टर में भी डाल सकते हैं। हाँ। क्योंकि इसमें कोई लोहा नहीं लगा हुआ है, जमीन से पानी निकल रहा है और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और बताइए यहाँ के गाँव के बारे में? और यहाँ पे कई जगह में देख रहा हूँ तो पानी सूख जाता है, ये पानी कभी भी सूखता है। देखिए ये जो कह रहे हैं कि जो यहाँ का ये जो पानी है ये सूखता नहीं है, बाकी जगहों पर सूख जाता है। और बताइए इस गांव के बारे में, यहाँ पे क्या क्या है, कौन से गांव से आप हो? हम नगैलिया गांव से हैं। और आप पढ़ते हो? हाँ। और बताइए इसके बारे में, आप कितने बजे यहाँ आते हो फिर जाते? सुबह 8 बजे आते हैं और 10 बजे चले आते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं, 5 बजे चले आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और आप स्टडी भी करते हो। ये जो पत्थर के क्या बने हुए आप दिखा सकते हैं? ये जो पत्थर के क्या क्या चित्रकारी की हुई, ये क्या चीज़ है? ये भगवान है। देखिए पुराने जमाने में लोग कितनी मेहनत करते थे, फिर उन्होंने ये पत्थरों पर चित्रकारी करना शुरू कर दी, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता है। और देखिए और यहाँ पर और भी बोली है इस एरिया में? हाँ, एक दो तीन हो रहा है। दो तीन हो रहा है और ये भी दिखाएंगे हमें? चलिए देखिए हमें एक और बोली दिखाने जा रहे हैं। ये भी बोली है, देख सकते हैं एक और बोली ये दिखा रहे हैं। और इसका पानी भी वैसा रहता है? हाँ, टेस्ट सेम है। और आप देख सकते हैं ये जो चित्रकारी की गई है, पर इन्हें लोगों ने थोड़ा सा कलर किया हुआ है, ये पत्थरों पर चित्रकारी की हुई है। ये पुराने ज़माने में अक्सर किए जाते थे, काफ़ी मेहनत लगती थी इस काम में, लेकिन अभी नहीं। ये मुझे घोड़ा नज़र आ रहा है, किसी भगवान की तस्वीर है, एक और घोड़ा नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों पर कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। ये चित्रकारी करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था और आप देख सकते हैं घोड़े बने हुए हैं। और बताइए यहाँ के बारे में? और इधर मंदिर भी है साथ में, देख सकते हैं भगवान शिव जी का यहाँ पे मंदिर भी है। और सही आपको बताएं ये जो है वो देखने लायक यहाँ का पानी है, ये भी चलता ही रहता है। और ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये चित्रकारी जो पत्थरों पे की होती है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से देख सकते हैं। देखिए ये तो घोड़ा नज़र आ रहा है भाई, हमें घोड़े पे सवार कोई भगवान होंगे, ये उनकी तस्वीर होगी। और आप इतना आइडिया लगाइए कि उस ज़माने में करीब हज़ारों साल पहले इसकी चित्रकारी की गई है। हज़ारों साल पहले ना ही इंटरनेट था और ना ही कोई इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी थी जिससे इसकी कटिंग की जाए, पर मेहनत जो लोगों ने की है, पुराने बुज़ुर्गों ने जो मेहनत की है वो देखने लायक है। क्योंकि पत्थरों पर चित्रकारी करना उस ज़माने में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आज अगर आप मशीन से भी करें ऐसी चित्रकारी आप नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो बोली के ऊपर थी। और जम्मू कश्मीर की कई भी जगहों में जाओ आप देख सकते हैं ऐसी बोली है, और इनका पानी भी पी सकते हैं आप देख सकते हैं। चलिए टेस्ट करिए पानी, आप देखिए ये पानी पी रहे हैं, हाथ से पानी पी रहे हैं, तो काफ़ी शुद्ध पानी जो है हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये जो पानी है काफ़ी शुद्ध है।